ॐ तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुरिदा जनाः। मंत्र जप के बारे में हम लोग का चर्चा हो रहा था। सांग पांगा सहित पूरा मंत्र जप करने से मंत्र फलदायी होती है, एवं अगर सद्गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ है तो मंत्र में जो बीज मंत्र है जो कि इष्ट का सूक्ष्म रूप वो प्रकट हो जाते हैं। यही मंत्र जप का रहस्य है। जो आध्यात्मिक भावना से इतना रुचिवान नहीं है, जो जीवन में सांसारिक रूप से प्रतिष्ठित होने चाहते हैं, उनके लिए भी मंत्र जप करना जरूरी है। वास्तविक सही जीवन जीने के लिए ही मंत्र जप का आवश्यकता है, ये समझना जरूरी है। अब तक तो हम भक्ति प्राप्त करने के लिए मंत्र जप का बात कर रहे थे। अगर जो व्यक्ति इतने भक्ति भाव आवि आनयन करने में उद्ग्रीव नहीं है, रुचिवान नहीं है, फिर उनके लिए भी मंत्र जप जरूरी है, ये समझना जरूरी है। क्यों? कारण हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए स्वाधीन रूप से क्रियाकलाप करने का अधिकार होना चाहिए। यू मस्ट लीड an independent life to do on our own, लेकिन हो नहीं पाता है। हम सोचते हैं कुछ, करते दूसरा कुछ, कारण हमारे अपने पर नियंत्रण नहीं है। We have no control over ourselves. We are being controlled by someone else. ये समझना जरूरी है। हमें जो कुछ हम चाहिए होगी आगे बढ़ने के लिए, सबसे पहले जो ज़रूरत है वह है अपना स्वयं मन का मदद। अगर आपका स्वयं का मन हमें मदद नहीं दे रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्य करी है, तब हम तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Thine only is the hand that holds the rope that drags thee on. हम ही अपने खुद का स्वयं का हाथ से हमारा अग्रगति को रोक के रखा है। इसी को समाधान के लिए भगवद गीता में षष्ठ अध्याय के पंचम श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, उद्धरिदा आत्मनात्मानम नात्मानम उपसायत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः।
जो अपने मन से ही मन को एकांश को सहायता देते हुए आप खुद स्वयं अपने को उठाओ, दूसरा कोई उठाएंगे नहीं। वी शुड बी बोल्ड एंड मैच्योर टू रेज अवर हेड्स ऑन अवर ओन। तो पहले बताया उद्धरी दात्मनात्मा, जो अपना जो स्वभाव है, अपना जो प्रकृति है, खुद ही अपने उन्नत करो। कभी इसमें कोई रिलैक्सेशन मत दिया जाए। देयर शुड बी कंटिन्यूअस विजिल, कंटिन्यूअस ग्रोथ, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। इसलिए बताया नात्मानो अवसायद, कभी रिलैक्सेशन मत दिया करे। और दो उदाहरण दिया है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। वही मन आपका बंधु होगा कभी कभी, वही मन आपको कभी शत्रु हो जाएगा। ये बड़ा विचित्र है मन का स्वभाव। अपना मन कभी कभी हमें खुद का स्वयं का मदद करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी अपना मन ही आपने को रोक देते हैं, आपने से शत्रु भाव अपन्न हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। माइंड इज़ नॉट टू, माइंड इज़ वन। लेकिन मन का दो विभाग कर्मरत है। एक है कि मन आपने को मदद करते हैं, और दूसरा मन खुद ही अपने को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या करना चाहिए कि हमारे जो मन मदद करने वाला है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो मन हमें शत्रु भाव बनना है उसको किसी हालात से उसको नाकाम कर देना चाहिए। तो मन को कैसे हमें बंधु बनाए, इसका विश्लेषण भी भगवान श्री कृष्ण पर्वती श्लोक में दिया है, 6.6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य जिनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुते बढ़ते तात्मैव शत्रुवत्। ये जो क्राइटेरियन है, मन कभी शत्रु बनता है कभी मित्र बन जाता है, इसको क्राइटेरियन क्या है? बंधुरात्मात्मनस्तस्य जिनात्मैवात्मनाजितः। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में ले लिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब हम नियंत्रण में ले लेते हैं तब मन के सारे शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाते हैं। कि हमारी तो मन है ना, वी बिकेम मैंडिस्ट बाई द पावर ऑफ आवर ओन माइंड विच वॉज सुपर बींग यूटिलाइज समवेयर एल्स। हमारा अपना शक्ति से बलिदान होना चाहिए, जो कि ये हमें खुद स्वयं को जो अधिकार स्वयं को नियंत्रण करते हुए मिलता है। अर्थात मन को वश में रखने से मन का शक्ति हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये मन को अपने नियंत्रण रखने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शांत करना पड़ेगा। पहले बताया कि जो आपने मन को नियंत्रण में कर लिया, जिनात्मी बात माना जीता, वो तो उसका मित्र हो गया। और अनात्मास्तु शत्रु थे वर्तिता शत्रुवत। जो वश में नहीं है, जो मन हमारे वश में नहीं है, तो मन को जहाँ तहाँ वो खींच ले जाते हैं। हम जाने जाते हैं डायना वहाँ को बाएँ ले जाएगा, जो उस पर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए मन को नियंत्रण रखना जरूरी है। ये मन को नियंत्रण रखने का जो उपाय है उसको जप कहलाता है, रिपीटेशन ऑफ गॉड्स नेम। वो जप सही ढंग से होना चाहिए।
जो जब सही ढंग से नहीं होने से नहीं होगा। इसको कैसे होता है परवर्ती श्लोक में बताया, 6-7। जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णो सुख दुखेषु। जो आपने को जीत लिया वो परमात्मा समाहित हो जाता है, और शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो हो, यहाँ पर सब कुछ खुलासा भगवान बता दिया। जो मन हमारा शत्रु या मित्र बनता है, कारण मन हमारा कंट्रोल में नहीं है। अगर मन हमारा कंट्रोल में आ जाएगा तो हम जैसे की तैसे मन को हटा सकते हैं। तो अभी तो मन को कंट्रोल करने के लिए तो कहा जाता है कि ये जप ध्यान करने का, मंत्र उपासना करने का जो सीक्रेट बताया, वाई शुड दे डू, कारण इसे बताया इस श्लोक में। जीतात्मना प्रशांतात्मा, जिसको मन शांत हो गया वही आपने को जीत पाएंगे। दिस इज द सीक्रेट। आपने को अगर वश में रखने से तभी मन अपना साथ देंगे, अगर हम मन को वश में चले जाएं तो मन हमको गिरा देगा। यह पर तो ठाकुर बताया कि उद्धारित आत्मनात्मानम, हमारी जो शक्तियाँ हैं उसको अवलंबन करके हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि पीछे हट जाएंगे। पीछे तभी हटते हैं जब हम मन को सही ढंग से परिचालन नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, ये पहले बताया कि जीतात्मना प्रशांतस्य, मन को शांत करना पड़ेगा, यही है बात। मन अगर शांत हो गया तब मन नियंत्रित हो जाएगा, यही लॉजिक। अनियंत्रित मन हमें गिरा देंगे। इट्स नेसेसरी टू मेक द माइंड अंडर आवर कंट्रोल, और वो तभी हो पाएगा जब मन शांत रहेगा। द माइंड इज स्कैटर्ड देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंसेंट्रेट द माइंड इन वन स्पॉट। तो वो जब दीर्घकाल अभ्यास से होता है, लेकिन ये बात की ये है कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हमारा वश में नहीं आ सकता है। इसीलिए बताया जीतात्मना प्रशांतात्मा परमात्मा समाहित है। अभी इसके बाद है स्वयं परमात्मा, ये स्वयं परमात्मा उसका हृदय में प्रकट हो जाएंगे अगर उसका मन शांत हो। ये है सीक्रेट। मन को शांत करना जरूरी क्यों है, मन शांत नहीं रहने से मन हमारा नियंत्रण में नहीं आएगा। मन को नियंत्रण करने के लिए मन को शांत होना जरूरी है, और मन अगर शांत हो जाएगा तब मन के भीतर जो विपरीत धर्मी शक्तियां हैं वो हमें मदद करने के लिए टर्न ओवर हो जाएगा। ऑल दी नेगेटिव फोर्सेस गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव फोर्सेस फॉर ए पर्सन हु हैज बीन एबल टू कंट्रोल हिज माइंड एंड कीप इट मेक इट काम। ये है बात, मन को नियंत्रण करने के लिए मन को समाहित करना जरूरी है, और वो समाहित मन से हम जो कुछ करें तब कर सकते हैं। इसके लिए इतना जो चर्चा का बंदोबस्त हुआ है, ये मन को जो इसमें देना पड़ेगा, मन को शांत करना जरूरी है। मन शांत होने से मन नियंत्रित होगा और हम नियंत्रित मन में भगवान की छवि छाया दिखाई पड़ेगा। तो मन को शांत कैसे करें, हाउ टू मेक द माइंड ट्रूली क्वाइट,
ये तो चारों ओर से तो मदद देता है, मन को शांत कैसे करें इसका जो पथ निर्देश, जो दिशा, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। टॉपिक फॉर द नेक्स्ट डे, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। मन को कंट्रोल करना तो जरूरी है कि मन को शांत नहीं करने से मन हमारा खिलाफ चले जाएंगे। तो मन का शक्ति हमारे पीछे लगाने के लिए हमें एक आदर्श जीवन यापन करना चाहिए, यहाँ पर मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाने से हम क्या कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, इसको चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बृहस्पतिवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, आरती के बाद देवी नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।